परिवार, संतान, हमारे अपने हमें कितने प्रिय होते, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सुख के लिए हम क्या नहीं करते। अपनी संतानों को सुसज्जित कोमल जूते देते ताकि उनके पांव को चोट ना लगे, उनके मार्ग में कांटे ना चुभे, उन्हें पीड़ा का अनुभव ना हो। अच्छी बात, परंतु इस प्रक्रिया में हम एक बात भूल जाते हैं कि पांव को पांव होने का अनुभव तभी होगा जब उसका स्पर्श धरती से होगा, जब वो तपती रेत पर चलेगा, जब वो भीगेगा, जब पांव कांटों में उलझेंगे। ठीक वैसे हमारे प्रियजन हमारी संतानों के साथ भी होता है। हम उन्हें जीवन का सुख तो देते हैं, परंतु उन्हें जीवन का अनुभव करना ही नहीं सिखाते। करने दीजिए उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना, लड़ने दीजिए उन्हें अपने मार्ग के कांटों से। यदि स्वयं सीखेंगे तो अपनी आने वाली संतानों को भी सिखा पाएंगे, है ना? आशीर्वाद दीजिए मामा श्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लौटूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे। क्या हुआ अंगराज? सूर्यदेव से आप ये प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं कि वो उदित ही ना हो? अर्जुन को दिया वचन आपको पूर्ण करना होगा अंगराज। सूर्यास्त का बहाना बनाकर कहीं आज भी शत्रु को जीवित छोड़ देने का मन तो नहीं बना लिया आपने? कभी कभी मौन रहने से प्राण बच जाते हैं। अब एक और शब्द अपने मुख से निकाला तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही शत्रु से पहले मैं अपने पक्ष के किसी योद्धा का वध कर दूंगा। अंगराज, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि आपके पुत्र वृषसेन की मृत्यु तो स्मरण है ना आपको? वृषसेन के हत्यारे अर्जुन का पुत्र ही आज आपका लक्ष्य होना चाहिए, बस मैं यही कहना चाह रहा था। कर्ण को स्मरण है मामा श्री। और मुझे भी। आज हम वृषसेन की मृत्यु और मेरे अपमान का प्रतिकार दोनों लेंगे।
मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस प्रतिकार से पूर्व उस कौटे अर्जुन को मार्ग से हटाने का क्या प्रबंध करना चाहिए। उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं मेरे होने वाले सम्राट। महाराज, त्रिगत नरेश सुशर्मा अवसर का लाभ उठाने के लिए एक विशाल सेना के साथ विराट पर आक्रमण करने जा रहे हैं। विराट नगर को सहायता की आवश्यकता है, शीघ्र कुछ कीजिए। मुझे शीघ्र ही विराट प्रस्थान करना होगा। किंतु महाराज, इतने कम समय में आपका विराट पहुंचना असंभव है। केवल वासुदेव में ही वो क्षमता है जो वायु गति से रथ चलाकर अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। हमें आपकी सेना की आवश्यकता है और अर्जुन अकेला ही उन सब के लिए पर्याप्त है। किंतु अर्जुन की अधिक आवश्यकता यह रणभूमि में। परंतु महाराज, आप वहां बहुत से परिवार, स्त्री और बालक संकट में। एक समय था जब विराट राज ने हमें अज्ञातवास में शरण दी थी। आज वो समय आ गया है कि हम उसका ऋण चुका सकें। और फिर अभिमन्यु भी तो यहां है, मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। चलिए माता, विराट की ओर प्रस्थान करें। जैसी रथी की इच्छा और जैसी महारथी की आकांक्षा। आओ पार्थ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन रणभूमि छोड़कर विराट के लिए प्रस्थान कर चुका है। आचार्य द्रोण, समय आ चुका है हमारी सेना को अपनी योजना अनुसार सज्ज कीजिए। जिस प्रकार चक्की का पत्थर एक ही चक्कर में अन्न के दानों को पीस देता है, उसी प्रकार हमारी यह सेना शत्रु सेना को एक ही चक्कर में पीस देगी युवराज। और अपनी सेना के नाश को रोकने के लिए आएगा वो महावीर अभिमन्यु, वहां हम उसके प्राण फाड़ लेंगे, जिसने मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसाया था। आज वो फंस कर मरेगा हमारे चक्रव्यूह में। युद्ध का 13वां दिन। युधिष्ठिर, मैं कौरव सेनापति द्रोण चेतावनी देता हूं तुम्हें
कि यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्यूह के भीतर आओ, और यदि तुम इस व्यूह को तोड़ने में सक्षम रहे तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और यदि नहीं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। सुना तुमने? आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है मैंने भी उसी आचार्य भारतवाद से चक्रव्यूह भेदन सीखा है, जिस आचार्य भारतवाद से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पंचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यूह को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया भीमराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। आदो, अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन, जयद्रथ। जयद्रथ कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम, इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों, अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। जेष्ठ पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं, आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यूह की रचना की है।
अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामा श्री, फिस्ट नो मोर, भीम स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। आज इनके हरेक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना पांच चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सको। सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपताश्त्र दिया। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़, जिस दिन तुम चाहोगे शेष संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजेय रहो। आगे बढ़ो भीम, आज मेरी गदा का स्वाद भी चक्कर देखो। ताजश्री, आप ऐसा कैसे उन्हें दे सकते हैं? ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के भविष्य को खोया नहीं जा सकता। ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा हूं। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दाव लगाकर सर झुकाया था और मैं ये दाव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजी, और फिर मैं अकेला कहा हूं, चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजरी, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। ताजश्री,
जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञ सेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गए? चूंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है।